हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे आपने VSSR की ट्रिप देखी थी हमारे अहमदाबाद इसरो की, तो उसी तरह से इस बार हमारा जो एस्ट्रोनॉमी क्लब है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है IPR की ट्रिप गांधीनगर तक। और ये IPR क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च इंडिया का। और इसका पूरा ब्रीफ हिस्ट्री लगेगा तो मैं आपको, हम लोग IPR पहुँचेंगे तो वहाँ के जितने भी शॉट्स होंगे उनके अंदर देता जाऊँगा। और ये ट्रिप भी पिछले ट्रिप की तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तो होने वाली है, पर उसी के साथ साथ हमारी क्लास के जो लोग हैं इस ट्रिप के अंदर वो बहुत ज़्यादा है, तो ये ट्रिप वो ट्रिप से शायद ज़्यादा इंजॉयबल भी हो और ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, ये तो बात पक्की है। गुड मॉर्निंग। और भाई जो गाइस, आई एम स्वामी पटेल, पिछले व्लॉग में देखा होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी कट कर दूंगा। गजब बेइज्जती है। सारा IPR के कैंपस के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो एंटर होते ही एज इट इज जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें एक चीज़ आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि सबसे ज़्यादा ग्रीनरी वही होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में इतने ट्रीज़ वगैरह आसपास और इतना क्या बोलते हैं ग्रीन एनवायरनमेंट नहीं होता है, पर इधर उसके कंपेरेटिव थोड़ा ज़्यादा और अच्छा है। और यहाँ का मैप वगैरह का भी फोटो तो ले लिया और मैं आपको अभी व्यू दिखाता हूँ कि किस तरह का ग्रीनरी है इधर। यहाँ पे जो है हम हमारा सिक्योरिटी चेकअप कराते हुए IPR की तरफ निकल पड़े। ये जो है पूरा मेन कैंपस है उधर का, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत हरियाली तो ऑलरेडी है और हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं अंदर जाने के लिए। और ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल के अंदर, जहाँ पे हमें प्लाज्मा के बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाई गई और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। और ये रही चीज़ें जो हमें सर ने समझाई। एन एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा, सो वी कैन सी फील हियर लाइटनिंग हियर, वी अप्लाइड ए वेरी हाई वोल्टेज हियर एंड ड्यू टू दैट द एयर इनसाइड इज इन द प्लाज्मा स्टेट, तो चार्ज पार्टिकल्स को रास्ता ढूंढ ढूंढ के जाना पड़ता है, इसीलिए हमने ये बीच में क्या लकोटी मार्बल्स भर दिया, तो द मार्बल लाइट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में से रास्ता ढूंढ ढूंढ कर जा रहा है, तो लाइट भी ऐसे ही रास्ता ढूंढ ढूंढ कर जाता है। सो दिस इज व्हाट द लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट। और इधर ऐसा लग रहा है पानी गिर रहे, प्लाज्मा भी गिर रहे, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा हमने फ्लोइंग प्लाज्मा। प्लाज्मा इधर से गिर रहे, एक्चुअली ऊपर रखने तो सीधा होता है, मगर ऐसा रखने से क्या आ रहे गिर रहे ऐसा लगता है, सो दिस इज कॉल्ड फ्लोइंग प्लाज्मा। एंड नेक्स्ट दिस एग्जाम्पल इज बेसिकली, जैसे हमने बताया आवर अर्थ इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका नाम टेरेला है, लैटिन में टेरेला का मतलब है लिटिल अर्थ, ये एक छोटा धरती जैसे है। दिस मेटल बॉल रिप्रेजेंट्स अवर अर्थ, इसमें हमने एक मैग्नेट रखा है, तो इसमें हमने प्लाज्मा क्रिएट किया एयर का, चार्जेड पार्टिकल्स कुछ भी नहीं तो पूरा ऐसा ऑक्यूपाई करेगा, बट जो चार्जेड पार्टिकल्स आकर उसको टकराने के बदले में, जैसे उसको नज़दीक आया उसको टकराने के बदले में गोल घूम रहे, इसी तरह जैसे चार्ज पार्टिकल्स हमारा धरती के पास आया उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको टकराने के बदले में 80 किलोमीटर दूर में वो ट्रैप होकर घूमते रहते हैं, वही हमारा आयनोस्फीयर है। सो उधर इसीलिए हमारा धरती सुरक्षित है। दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट इज डेमोंस्ट्रेटिंग। ये टोकोमैक का एक मॉडल है जिससे हमें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है टोकोमैक है क्या। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि ये है टेस्ला कॉइल का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन कि किस तरह से टेस्ला कॉइल काम करती है। अब मुझे तो पता है कि टेस्ला कॉइल काम कैसे करती है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को पता है, तो जिसको भी पता है कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको पता है टेस्ला कॉइल किस प्रिंसिपल पर काम करती है और किस तरह से काम करती है। अभी तक तो जो भी सर ने समझाया वो हमें एक्सप्लेन किया था प्लाज्मा के रिलेटेड और उसके आजू बाजू जितना भी फिजिक्स और साइंस रिवॉल्व करता है प्लाज्मा के अराउंड, वो सब के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। और जो टोकोमैक मशीन होती है जिसके अंदर प्लाज्मा जनरेट करते हैं सर्कुलर में, तो वो टोकोमैक मशीन जो है वो अभी हमको यहाँ पर दिखाएंगे। अब वो एक चीज़ है कि अभी शायद लंच का टाइम हो रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि पहले लंच करने जाए उसके बाद टोकोमैक मशीन देखें, पर मोस्ट प्रोबेबली शायद चांसेस है कि पहले अभी टोकोमैक देख लेंगे उसके बाद
लंच करने जाएंगे। तो मैं आपको फोटोज और वीडियोस के साथ टोकोमैक का वर्किंग और ऐसा सब भी समझा दूंगा, और लगेगा कि ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो कोई वीडियो ढूंढ के उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थोड़ा और हरियाली का आनंद लेते हुए हम लोग चले रियल टोकोमैक देखने, लेकिन जो टोकोमैक वाला बिल्डिंग था उसके अंदर कैमरा यूज़ करना तो अलाउड नहीं है। तो मैं आपको एक गूगल पे से एक टोकोमैक का पिक यहाँ पे दिखा दूँगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से एक टोकोमैक दिखता है और इसका वर्किंग वगैरह मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक वीडियो डाल दूँगा टोकोमैक के ऊपर ही पूरा। तो अगर आपको जानना है टोकोमैक होता क्या है तो आप वो वीडियो जान के पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, लेकिन इतना बता दो टोकोमैक की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और उसके अंदर बेसिकली प्लाज्मा ही जनरेट करते हैं। तो वही काम होता है टोकोमैक का। अभी यहाँ का तो हमारा काम हो गया, अभी शायद बस में लंच वगैरह करेंगे जो भी करना है, और उसके बाद सेकेंड वीक का जो फैकल्टी है या डिपार्टमेंट मतलब जो जगह है वो विजिट करने जाएंगे इसके बाद हम लोग। तो अभी जो टोकोमैक बिल्डिंग थी वहाँ पर आधे लोग गए थे देखने और आधे बाहर खड़े थे, तो इसी तरह बीच में स्विच करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा जन जा नहीं सकते थे, जाते तो समझ में भी नहीं आता, तो इसीलिए आधे जन गए थे पहले, उसमें हम लोग थे, अभी दूसरे आधे गए तो वो लोग आ जाएंगे। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। तो हम लोग अभी आ गए हैं FCPIT जो कि दूसरा कैंपस कह सकते हो। हाँ, अभी एक्सप्लेन करेगा कि इधर होता क्या है। बेसिकली क्या है कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, क्या कहते हैं उसका, IPR का। तो वहाँ पे प्लाज्मा पे रिसर्च होती है, यहाँ पे प्लाज्मा जो होते हैं इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए और उस वैसी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। अच्छा, मतलब बेसिकली इधर जो है इंडस्ट्री, उधर उस पर रिसर्च हो रहा है कि प्लाज्मा क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस तरह चेंज होता है, और मतलब प्लाज्मा का फिजिक्स, और इधर उस फिजिक्स को कैसे अपन डेली एप्लीकेशन और टेक्नोलॉजी में कैसे डाल सकते हैं उसके ऊपर काम चलता है। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस क्या है। ओके, ये भागा 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 भागा। यहाँ पे बहुत सारे मोर देखने के बाद हम लोगों ने आराम से ये जगह पूरी अच्छे से विज़िट की। अब यहाँ पे मैंने विज़िट करते टाइम रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं भी जो है आराम से समझ रहा था कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है इन चीज़ों का, और फिर वो सब देख के हम लोग वापस से निकल गए घर के लिए। वॉच द फर्दर वीडियो एट योर ओन रिस्क। ट्रिप खत्म, और इसी के साथ हमारा जो आज का बहुत ही बढ़िया वाला दिन था वो हो जाता है ख़त्म। आई होप आप सबको ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।